जय माँ चंद्र घंटा सुखदाम, पूर्ण की जो मेरे काम। चंद्र समाज तू शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है बहुत बहुत आपके अपने चैनल में। आप कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट सेक्शन में जय माता दी अवश्य लिखें। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी दबा दें। माता रानी ऋषियों को संबोधित करते हुए कहती हैं कि चंद्र घंटा रूप में मैं प्रदान करती हूँ आरोग्य संपदा। माँ चंद्र घंटा देवी सभी बाधाओं और संकटों को दूर करने वाली हैं। माता रानी कहती हैं, मेरे तीसरे शक्ति विग्रह का नाम चंद्र घंटा है। मेरी पूजा अर्चना भक्त नवरात्रि के तीसरे दिन करते हैं। मेरे स्वरूप में मेरा रंग सोने के समान चमकीला और तेजस्वी है। मेरे मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण मेरा नाम चंद्र घंटा पड़ा। मेरे इस रूप में मेरे 10 हाथ हैं, जिनमें एक हाथ में कमल का फूल, एक में कमंडल, एक में त्रिशूल, एक में गदा, एक में तलवार, एक में धनुष और एक में बाण है। मेरा एक हाथ हृदय पर, एक हाथ आशीर्वाद मुद्रा में है और एक हाथ अभय मुद्रा में रहता है। मेरे गले में सफ़ेद फूलों की माला रहती है और मेरा वाहन बाघ है। देहधारियों में मेरे इस रूप का स्थान मणिपुर चक्र में है। साधक मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मणिपुर चक्र में अपना ध्यान लगाते हैं। मेरी कृपा से श्रद्धालुओं को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और दिव्य ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं। मेरा यह स्वरूप दानव दैत्य राक्षसों को कपाने वाला और मेरी प्रचंड ध्वनि उनकी हिम्मत पस्त कर देने वाली होती है। जहाँ मेरी घंटे की ध्वनि बुरी शक्तियों को भगाने पर मजबूर करती है, वहीं साधकों और भक्तों को मेरा स्वरूप सौम्य, शांत और भव्य दिखाई देता है। माँ के स्वरूप की पूजा करने से घर और मन में शांति आती है, साथ ही परिवार का कल्याण होता है। इस दिन माँ को दूध या इससे बनी चीज़ें अर्पित करनी चाहिए, इससे हर तरह के दुखों से मुक्ति मिलती है। माँ को सफ़ेद फूलों के साथ साथ लाल फूल भी चढ़ाए जाते हैं। माँ को कमल का पुष्प, लाल गुड़हल का पुष्प अति प्रिय है। गुड़ और लाल सेब माँ को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। चंद्र घंटा माँ की आरती के समय घंटा बजाने का भी विधान है। इनकी प्रसन्नता हेतु कन्याओं को हमें आईना, रोली, खिलौना आदि भेंट करना चाहिए। माता रानी का मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्र घंटाय नमः। तो इस मंत्र का आप अपनी श्रद्धा के अनुसार जाप करें और माता रानी को प्रसन्न करें। अंत में माँ की आरती करें और माँ से क्षमा याचना करें। माता रानी आपको सदैव सुखी और संपन्न रखे, इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय माता दी दोस्तों।